हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस मेधा शंकर और मेसी एक्टर उन्हें कह सकते हैं। जी हाँ, विक्रांत मेसी इस वक्त मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। कशिश, थैंक यू थैंक यू सो मच। रियली आई फील ब्लेस्ड टू मीट यू गाइस। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी विक्रांत कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, 12th फेल, जो एक आईपीएस मनोज शर्मा के उस पर बेस्ड है। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो आपका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? यू होल्ड इट, ओके ग्रेट। मेरा पहला रिएक्शन, जैसे आप जानती हैं ये जो फिल्म है ये किताब पर आधारित है, तो विनोद सर ने पहले मुझे कहा कि आप ये किताब पढ़ो, अगर आपको पसंद आएगी ये किताब तो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा। और जब मैं किताब पढ़ रहा था तो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते आंसू आने लग गए, बहुत मतलब भावुक हो गया था मैं। और किताब ख़त्म करने के पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि लास्ट के मेरे कुछ 30-40 पन्ने बचे थे, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कुछ भी हो ये फिल्म मुझे करनी है। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है और आप जानती हैं ट्रेलर में भी आपने देखा होगा जो चीज़ें ये फिल्म कहने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ों से हम खुद अपने निजी जीवन में जूझते हैं, उन तमाम चीज़ों से। इट इज़ गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, येस इट विल एंटरटेन फॉर श्योर, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि ये यू राइट की मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी है, श्रद्धा जोशी की कहानी है, पर ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की कहानी है जो कुछ करना चाहते हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, देश प्रेम का जिनके अंदर बहुत भयंकर भाव है। तो और मुखर्जी नगर में हम बैठे हैं यहाँ पे, मतलब गली गली में चप्पे चप्पे पे आपको एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे, तो पूरे देश के कोने में ऐसे लोग हैं एंड आई रियली होप दे गेट इंस्पायर्ड बाय दिस फिल्म। ओके मेधा, व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर जब आपने ये स्क्रिप्ट सुनी? तो मैंने तो इनिशियली जनवरी में ऑडिशन दिया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था इस फिल्म के बारे में। कास्टिंग एजेंसी के साथ मैंने दिया था ऑडिशन, तब मुझे ये भी नहीं पता था एक्चुअली कि बुक के ऊपर बेस्ड है। फिर जब कास्टिंग एजेंसी के साथ ऑडिशन मेरा क्लियर हुआ था तो मेरा स्क्रीन टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था कि विधु सर के साथ आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, तब उससे एक दिन पहले मुझे पता चला था कि ये बुक के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने जल्दी से अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर दिया था कि यार आज ही आज आ जाए, आज ही आज ख़त्म कर दूंगी, बट वो आ नहीं पाई बुक। तो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ विधु सर के साथ, विक्रांत के साथ, पूरी टीम के साथ फरवरी में। उसके आई थिंक अगले दिन मेरे पास बुक आई थी, मैंने पूरी पढ़ ली थी और मुझे लगा था कि यार ये तो अगर मिल गया रोल इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो जिन्होंने भी बुक पढ़ी है वो जानते हैं ये बुक आपको इतना इंस्पायर करेगी आपके संघर्ष में, आपके आप जिस भी पड़ाव में हैं लाइफ में, आपको वो दे जाएगी वो होप और करेज जो आपको चाहिए। और श्रद्धा जोशी का जो कैरेक्टर है वो इतना इंस्पायरिंग है, इतना ब्यूटीफुल है कि वो कैरेक्टर मुझे पता था अगर ये मिल जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। और बस फिर और कुछ ऑडिशंस के बाद मुझे मिल गया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके विक्रांत, हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में ये दिखाया गया कि कैसे एक गरीब बच्चा कोई सपना देखता है तो लोग गिराने की कोशिश ज़रूर करते हैं, तो इसमें भी यही देखा गया है कि मतलब उनको ताने मारते हुए, तो फिर उस पर आपने कभी रियल लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी सुनी या देखी है? महसूस किए हैं जी, और देखते सुनते आज भी हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये एक ये जीवन का दस्तूर है मेरे ख्याल से, जो आगे बढ़ना चाहता है उसको खींचने वाले भी लोग होते हैं, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वो लोग ना हो जो आप में विश्वास ना रखें तो कहीं ना कहीं वो फिर वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा ना। आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर क्या है? 12th फेल जी, बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। सर ने भी कहा, ये बात मीडिया में भी है कि जब एक ही रिक्वायरमेंट थी सर की, मेरे से मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, वज़न घटाना पड़ा मुझे, 8 से 9 किलो के बीच वज़न घटाया, क्योंकि वो ये जो जर्नी है इस कैरेक्टर की, नहीं मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली आसान होता है, मेरे लिए वेट पुट ऑन करना मुश्किल होता है, सो दैट वर्कड इन माई फेवर। रंग गहरा करने के लिए सर ने मुझे चंबल भेज दिया यूनिट से पहले, 8 दिन पहले, तो सरसों का तेल लगा के छत पर बैठा रहता था। तो बहुत बहुत मेहनत करी है और स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिता के, मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिता के बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी। एंड फॉर मी डेफिनेटली सो फार दिस इज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर। मेधा, आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मैं श्रद्धा जोशी का कैरेक्टर निभा रही हूँ जो मनोज के साथ ही होती हैं।
बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है वो होता है ना, कुछ लोगों में बहुत स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा इनमें है, बहुत रिजिलियंट है, इतना पावर है, इतना करेज है इनमें कि वो खुद के लिए तो करती हैं जो कर रही हैं, साथ में मनोज का भी हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले आती हैं। जैसे होता है आप जब किसी के साथ होते हैं तो बस आपको एक ही इंसान चाहिए होता है जो आप में एकदम ही अंधा विश्वास करता हो, एंड देन आपको पता है आप सब अचीव कर लोगे। उस तरह की इनकी लव स्टोरी है, तो इस लेवल का करेज और स्ट्रेंथ की तरह खड़ी रही है वो मनोज सर के साथ, तो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है ये। विक्रांत, ऐसी और भी मूवीज़ आ रही हैं अभी थिएटर्स में और OTT पे भी आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी SSC सीरीज़ आई है अमित बड़ाना की, तो वो भी थोड़ा इसी से इंस्पायरिंग है, IPS ऑफिसर का आप किरदार कर रहे हैं, तो ये बाकी सबसे कैसे अलग हैं? ये सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि ये श्री विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है, और ये अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें मैं हूँ। देखिए, कहानियाँ एक जैसी हो सकती हैं, एंड आई विश देम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट, पर ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी है, ये किताब से आधारित है, और ये जो किताब है ये आप जानती हैं कि कहीं ना कहीं इसकी कल्ट फॉलोइंग है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और ये जो यूनिवर्स है इस कहानी की, मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी यूनिवर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। वन लास्ट क्वेश्चन, आप जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल हार मत मानना, और हारा वही जो लड़ा नहीं, तो लड़िए, गिरिए, रीस्टार्ट करिए या रीस्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे साथ थे मेधा और विक्रांत, तो आपको इनसे मिलके कैसे लगा? आपने इनसे इनकी बात सुनी, और इनकी जो मूवी आ रही है वो 27 अक्टूबर को सिनेमा में आ रही है, 12th Fail, यस 27th अक्टूबर, तो ज़रूर जाके ये अपने नियर सिनेमा घरों में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।